नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल केबी इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप इस प्रकार के एक्सटेंशन बोर्ड को घर पर कैसे बना सकते हैं। अगर आप कोई भी एक्सटेंशन बोर्ड बनाना चाहते हैं, किसी भी साइज़ का बनाना चाहते हैं, तो आप उसको घर पर भी बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप घर पर इसको कैसे बना सकते हैं, वो भी दुकान से अच्छा होता है, मजबूत होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास एक लकड़ी का पीस है ये वाला, और इससे हम एक्सटेंशन बोर्ड का जो फ्रेम होता है उसको बनाने वाले हैं। तो देखिए, ये जो लकड़ी है इसको हमें मार्किंग कर लेनी होगी कि हमें कितना साइज़ का बोर्ड बनाना है। तो हम इसको बोर्ड बनाने वाले हैं, वो 200 mm की जो लंबाई होगी उसकी, और उसके बाद जो हमारा 150 mm है उसकी चौड़ाई होगी। तो इसके लिए देखना, जो पट्टी हमें निकालनी होगी जो फ्रेम के लिए चारों साइड लगती है, तो उसको हम निकालने वाले हैं 200 mm की निकाल के, और उसमें जो उसकी चौड़ाई, पट्टी की चौड़ाई होने वाली है उसको हमने रखा है 15 mm। तो इस प्रकार से देखना, हमने 15 mm की 200 mm बाई 15 mm का ये पट्टी का ये निशान लगा लिया है, और इसी प्रकार से हमने दो जगह निशान लगा लिए हैं। तो इन दोनों जो लकड़ी का पीस है, इन दोनों को हमें काट लेना होगा। या तो हम इससे आरी से काट सकते हैं, या फिर हमारे पास हेक्सा ब्लेड होगा ये, तो ये तो सभी के पास मिल जाएगा, या मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं। तो हम आपको इसी से काट के दिखाने वाले हैं, इससे बहुत ही आसानी से कट जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हम कपड़े से पकड़ लेंगे जिससे हमें उससे लगे ना, और इस प्रकार से आप आराम आराम से इसको आसानी से काट सकते हैं। ध्यान रखें, आपको बहुत ही इसको सीधा काटना है, ये बिल्कुल भी जो हमारा लकड़ी का पीस है वो टेढ़ा ना हो, इसीलिए हमने इसको अच्छे से मार्किंग की है, और इसको हमें बिल्कुल सीधा काटना है जिससे ये हमारा बोर्ड है वो बनेगा तो वो अच्छा बनेगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने 200 mm तक इसको काट लिया है, और उसके बाद इसको यहाँ से इस प्रकार से काट लेंगे, तो ये इस प्रकार का हमारा जो लकड़ी का पीस है वो कट के आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें दो पीस को 200 mm के बनाने होंगे। तो एक पीस हमने काट लिया है, और इसी प्रकार से उस लकड़ी में से एक पीस को और काट लेंगे। तो देखिए, दो पीस हमारे जो 200 mm के थे उनको हमने काट लिया है। अब ये लकड़ी का पूरा पीस निकालेंगे, और पूरे पीस से फिर हम क्या करेंगे, 150 mm के दो पीस निकालेंगे। तो ये हमारा 300 mm से ज़्यादा है, तो हम 150 mm के दो पीस इसमें से निकाल लेंगे एक ही पीस में से। तो यहाँ पर हम इसको मार्क कर लेंगे 150 पर, और दूसरी जगह है वो 300 पर मार्क कर लेंगे। तो ये हमारे दो पीस निकल आएंगे। तो इस प्रकार से हम इसको काट लेंगे, और ये हमारे जो बोर्ड बनाने के लिए चारों पीस तैयार हो गए, रेडी हो गए। अब हमें इससे बोर्ड बनाना है। तो देखिए, जो बोर्ड बनेगा वो हमारा अभी इस प्रकार से हमें रख लेना होगा। तो अभी ये जो साइज़ हमने बनाया था वो साइज़ नहीं बनेगा, तो अभी इसको लिए हमें जितना साइज़ हमने रखा है 200 बाई 150 का रखना है, तो उतने का हमें साइज़ को बनाना होगा। तो उसके लिए देखना क्या करना होगा, जितना हमारी जो पट्टी की मोटाई है उस मोटाई के हिसाब से हमें इस पर जो सभी पट्टी हैं उनको मार्क कर लेना होगा। तो इस प्रकार से हम निशान लगा लेंगे। तो सभी पट्टियों पर निशान लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस बोर्ड को अच्छे से ऐसे फिक्स करके रखेंगे, और उसके बाद हमें इसको जो पीस को काटना, लकड़ी के कुछ कोनों को पीस को काटना होगा जिससे हमारा जो बोर्ड है वो सही साइज़ का आ जाए और सही बन जाए। तो देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। तो जो अंदर अंदर के कोने होते हैं जो बोर्ड के साइड के, उन अंदर के कोनों को हमें काट देना होगा इतने साइज़ का, और जो बाहर का कोना है वो बराबर रहने देंगे। तो इस प्रकार से पहले सबको अच्छे से मार्क कर लेंगे सभी को, जिससे हमें अच्छे से दिखाई दे उसमें, और मार्क करने के बाद फिर हम इसमें जो पीस है उसको काटेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक लकड़ी का टुकड़ा और रखा है जिससे हम इसको काटने में आसानी हो, क्योंकि जो ब्लेड चलाने में आसानी होगी जब ऊंचा हो जाएगा। तो देखिए, जो निशान लगा है उसी से हमें इस प्रकार से इसका कोने को काटना है, और जितना अच्छा हमारी मार्किंग होगी, जितना अच्छा कटेगा, उतना अच्छा बोर्ड बनेगा। तो इस प्रकार से देख लें कि हमारा जो बोर्ड है, वो लकड़ी है, वो सही कट रही है या नहीं कट रही है। अगर आपको दिख नहीं रहा है सही से, तो आप यहाँ पर जितना साइज़ की वो निशान लगाया था उतने पर यहाँ पर इस प्रकार से निशान लगा लेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो ब्लेड है वो उसी लाइन पर चले जिससे जो हमारा पीस है वो बराबर कटे। तो देखिए, इस प्रकार से हमें इस पीस को काट लेना होगा, और दोनों साइड काटना होगा इसके। तो इस प्रकार से हम इस साइड भी काट लेंगे, और हमें बिल्कुल सीधा काटना है कोने के साइड से। तो देखना, अभी ये ऐसा हमने जो काटा है, तो अंदर अंदर के जो दोनों कोने हैं उनको हमने काट दिया है, और बाहर का जो जितना साइज़ था वो रहने दिया है। तो इसी प्रकार से हमें जितने भी पीस हैं, हमारे चारों पीस को काट लेना है अंदर अंदर के जो कोने हैं इस प्रकार से। और इस प्रकार के काटने के बाद देखना, जब बोर्ड है वो इस प्रकार से बन जाएगा, देखना।
तो ये हमारा बोर्ड अच्छा भी लग रहा है और जो जिस साइज़ का हम बनाना चाहते थे उस साइज़ का भी बनेगा। तो वो हम आपको बाद में मार्किंग करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो बोर्ड है वो बिल्कुल फिक्स साइज़ का बना है। तो इसके बाद हम क्या करना होगा, इस बोर्ड को फिक्स करने के लिए यहाँ पर छोटी कील को लगाना होगा। तो पहले हम इस एक पीस में ये कील है उसको लगा लेंगे, तो दोनों साइड लगा लेंगे कील को। और फिर उसके बाद जो हमारी जो बड़ी वाली जो 200 mm की जो पट्टी थी लकड़ी की, उसमें इसको ठोकना होगा। तो देखना इसको ऐसे रखेंगे और थोड़ा ऊपर निकाल के रखेंगे बाहर की साइड, ये वाला जो कोना है उसको बाहर की साइड निकाल के रखेंगे, जिससे हम ठोकेंगे तो वो उतना अंदर की साइड जाएगा तो वो बराबर फिक्स हो जाएगा। तो देखना यहाँ पर जो एक लकड़ी का पीस है वो फिक्स हो गया है। और इसी प्रकार से जो लंबा वाला 200 mm का हमारा पॉइंट था, एक लकड़ी का टुकड़ा था, उसको हम इस प्रकार से और ठोक लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा बोर्ड है वो इस प्रकार से बनेगा। तो एक पीस और बचा हुआ है हमारा, तो उसमें भी हम कील को लगा लेंगे दोनों साइड। ये जो कील यूज़ कर रहे हैं वो हम पतली वाली कील यूज़ कर रहे हैं, जिससे ये बोर्ड में आसानी से फिक्स हो जाए। तो देखना दोनों साइड हमने फिर से कील को लगा लिया है और आसानी से इसको हम इस प्रकार से ठोक लेंगे। तो इससे जो बोर्ड है वो अच्छे से बन जाता है और जो देखने में भी अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पर जो बोर्ड है वो हमारा बन के तैयार हो गया है। इस प्रकार से हम इसका फ्रेम को बना सकते हैं। और एक्सटेंशन बोर्ड बनाना है जैसे आप कहीं पर ले जा सकते हैं, तो पीछे बैक साइड पर इसको हम कोई भी सीट बना सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर लकड़ी की सीट है, तो हम लकड़ी की सीट को लगा सकते हैं। अगर आपके पास लकड़ी की सीट नहीं है तो अगर आप जो पेपर होता है वो पाइप होता है प्लास्टिक पाइप, उसकी भी सीट बना सकते हैं, उसकी सीट को भी लगा सकते हैं बैक साइड में। या आप जो मार्केट में जो हम बोर्ड बनाने के लिए जो सीट लाते हैं वो डबल सीट ला सकते हैं, तो एक आप बैक में लगा सकते हैं और एक इसमें फ्रंट में जिसमें सॉकेट लगाते हैं वो लगा सकते हैं। लेकिन हमारे पास ये लकड़ी का पीस था इसी साइज़ का, तो हमने ये लकड़ी का पीस जो है वो पत्ती है उसको लगा दिया है, तो ये हमारा बोर्ड है वो कम्प्लीट हो गया है। तो इसी प्रकार से बोर्ड हमारा बन जाता है। फिर इसके बॉद हम किसी भी प्रकार से जो हम जितने भी सॉकेट लगाने होते हैं तो उसके लिए हम एक सीट लेके आएंगे और उसमें जिस प्रकार से हमें सीट को जो सॉकेट हैं वो लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से बोर्ड को आसानी से घर पर बना सकते हैं आप। और देखना हमने जो साइज़ रखा था वो 200 mm बाय 150 mm रखा था, तो यहाँ पर हमारा ये लंबाई 200 mm है और इसकी चौड़ाई है वो 150 mm है।